हेलो गाइज, वेलकम टू कैट मसाला। आज मैं आपको ऑटोकैड में मिरर कैसे करते हैं वो बताने वाला हूँ, और साथ ही साथ इरेज कमांड का भी यूज मैं बताने वाला हूँ। कोई हमें ऑब्जेक्ट या फिर कोई चीज हमें इरेज करनी हो तो वो कैसे करते हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये एक मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया था, तो उसकी मिरर इमेज दिख रही है। मिरर इमेज का मतलब होता है कि जैसे हम मिरर में देखते हैं तो सेम एज इट इज हमारा फेस हमें दिखता है, तो उसी तरह से मिरर कमांड भी यहाँ पर सेम ही है। तो गाइस, उसमें क्या है, सेम मतलब जो हमारा प्रतिबिंब है सेम हमें वही दिखता है। जैसे कि इसमें एक एक चीज सेम दिख रही है, जैसे कि ये चोंच वगैरह ये सब मतलब ऐसे मैंने बना दिया था, तो सभी सेम इक्वली दिख रहे हैं। तो गाइस, ये कमांड चलती कैसे है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ नाउ। तो गाइज, यहाँ पर ऊपर मॉडिफाई में दी गई है मिरर कमांड, आप यहाँ से ले सकते हैं या फिर इसकी शॉर्टकट होती है MI Enter, देन आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जो आपको मिरर करना है। सेलेक्ट किया आपने, अगेन एंटर देना है। उसके बाद पूछ रहा है वो स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, कि आपको किस लाइन के अकॉर्डिंग, या फिर मतलब इसमें क्या होता है कि एक हमें पार्टीशन देना होता है कि उस पार्ट के आगे हमें मिरर करनी है। तो यानी कि वो लाइन या फिर वो पार्ट हमारा, वो हिस्सा हमारा उस ऑब्जेक्ट से जितनी दूर होगा उतनी दूर ही अपोजिट साइड में हमारा ऑब्जेक्ट मिरर होगा। तो गाइज, वो कैसे होता है देखिए, देख लेते हैं एक बार। अब जैसे कि मैंने ये लिया, मैंने ये रेफरेंस लाइन जो लगाई हुई थी वो इसीलिए लगाई हुई थी कि इस लाइन के अपोजिट मुझे मिरर कराना है। तो मैंने इसको फर्स्ट पॉइंट दे दिया। अब यहाँ पूछ रहा है सेकेंड पॉइंट ऑफ मिरर, यहाँ मैंने सेकेंड पॉइंट मिरर दे दिया। और यहाँ पे पूछ रहा है इरेज सोर्स अबाउट, तो यानी कि इसको इरेज करना है या नहीं करना। तो गाइज, मुझे ये इरेज नहीं करना है तो मैं इसको नो पर लाके क्लिक कर दूंगा। तो इस तरह से गाइज हमारा मिरर हो चुका है। तो गाइज, जरूरी नहीं कि हम लाइन हो हमारा तभी हमारा मिरर हो सकता है, बिना लाइन के भी मैं आपको मिरर करके दिखाता हूँ। अब जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, मैंने कमांड दी MI Enter, मुझे यहाँ पर सिंपल कहीं भी मुझे दो पॉइंट देने हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया मैंने, देन अगेन देना मुझे सेकंड पॉइंट। अभी मेरा ये केवल स्ट्रेट लाइन इसलिए जा रही है क्योंकि मेरा ऑर्थो मोड ऑन है। चलिए मैं आपको ऑर्थो मोड ऑफ करके दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने ऑफ कर दिया, F8 से कर सकते हैं। तो गाइस, इस तरह से मिरर होगी हमारी जो बॉडी होगी, जितना मिरर में शो हो रहा होगा उतना ही दिखेगा केवल। तो गाइस, उसी उसी तरह से दिखेगा। और तो गाइस, यहाँ पर भी सेम वही पंगा है, अगर मैं लाइन को इंक्लाइन लेके जा रहा हूँ तो हमारा इंक्लाइन ही मिरर हो रहा है। लाइन से लेफ्ट में जितना पोर्शन हमारा स्पेस खाली है उतने स्पेस के बाद में हमारा राइट में शो हो रहा है। तो गाइस, इस तरह से ही ये मिरर होता है। देन ठीक है गाइस, इस तरह से मिरर होता है। देन क्लियर गाइस। और अगर मुझे ये हमारा लेफ्ट साइड में नहीं रखना है और केवल राइट साइड में ही रखना है, तो गाइस मैं इसको यस कर दूंगा। जब मैं यस क्लिक करूंगा तो हमारा लेफ्ट वाला पोर्शन हट जाएगा और डिलीट हो जाएगा और केवल हमारा राइट वाला पोर्शन रह जाएगा। समटाइम क्या होता है कि हमें केवल मिरर ऑब्जेक्ट लेना होता है, मिरर या फिर मिरर स्केच लेना होता है, तो जैसे कि इसका पूरे को मिरर करना होता है तो वहां पर हम उसको यस कर देते हैं, कि जिससे कि हमारा हैंड टू हैंड डिलीट हो जाए। तो गाइज, कुछ नहीं है, अगर वो नो पर भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में उसे बस हमें सेलेक्ट करके डिलीट करना होगा। क्लियर है गाइज। एक और मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे अभी ये है इसको मिरर करना है मुझे, तो मैं दिया मिरर एंटर। अब मैं इसके यहाँ इसी पॉइंट से लेता हूँ, इसको फर्स्ट पॉइंट दे दिया मैंने, सेकंड पॉइंट दे दिया, तो ये मैं इसको नो कर देता हूँ, तो हमारा इस तरह से मिरर हो जाएगा। तो मतलब मिरर का फंडा यही है कि हमें उसमें एक बीच में लाइन देनी होती है जिसके अकॉर्डिंग या रेफरेंस या फिर जिसके बिहाफ पर वो हमारी इमेज को मिरर कराता है। क्लियर है गाइस। चलिए अब देख लेते हैं जो हमारी इरेज कमांड है, आज की नेक्स्ट कमांड है हमारी इरेज। इरेज कमांड तो सबको पता होगा, इरेज यानी कि इरेजर, यानी कि रबड़, यानी कि कुछ भी खराब चीज है उसको डिलीट करना। जैसे कि हमारा ये है तो मुझे कुछ नहीं करना, सिंपल E Enter कर देना है, इस तरह से डिलीट हो जाएगी वो। और या फिर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, यहाँ मैं राइट साइड में राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरी इरेज कमांड, यहाँ पर भी बटन है इसका, शॉर्टकट है, यहाँ से भी मैं डिलीट कर सकता हूँ। और गाइस, कुछ भी है यहाँ पर, जैसे कि मैं ये सर्किल लगा दिया ऐसे छोटा, तो अगर आपको कमांड नहीं देनी या फिर आपको राइट क्लिक इस तरह से नहीं इरेज जाना है, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल डिलीट का जो बटन होता है आपके कीबोर्ड में उसको प्रेस कर देना है, सिंपल ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है गाइस। तो गाइस, यही थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें एंड चैनल पर बने रहें। और गाइस, हमारे FB और इंस्टा पर पेज हैं, उन्हें भी जाकर फॉलो करें, वहां पर आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। सो थैंक यू गाइस।